अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सुमैरास किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान रेसिपी, लेकिन मज़े में ये बहुत ही डिफरेंट लगेगी आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको चाहिए वेजिटेबल्स। इसमें मैंने शिमला मिर्च ली है, चिकन क्यूब लिया है, बंद गोभी है, थोड़ी सी हरी मिर्चें हैं, और इसके साथ साथ हम बॉइल्ड मटर यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं वन बोल। आप समझ सकते हैं कि 200 ग्राम्स ये बॉइल्ड मटर हैं। इसके साथ यहाँ पे हमने यूज़ किए हैं दो मीडियम साइज़ के टमाटर, और इसके साथ साथ हैं यहाँ पे दो मीडियम साइज़ के प्याज। आपने उनको इसी तरह से काट लेना है। और तकरीबन हमारे पास यहाँ पे 250 ग्राम्स बॉइल्ड राइस हैं, ये आप देख सकते हैं। इसको हमने ऑलमोस्ट 80% तक कुक कर लिया है। और अब यहाँ पे जो हमारे पास स्पाइसेस हैं वो भी आप देख सकते हैं, ब्लैक पेपर है, क्यूमन पाउडर है, चिली फ्लेक्स हैं, सिनेमन स्टिक है और ब्लैक कार्डमम है। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। आपको यहाँ पे चाहिए हैं प्याज, जिनको आपने फ्राई करना है, और ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। इसमें कुछ भी आपको नहीं करना, सब कुछ एक साथ डाल देना है। ब्लू बैंड का एक चम्मच आपने डाल देना है। उसके साथ ही आपको मटर ऐड करने हैं, टमाटर ऐड करने हैं, और साथ ही आपको शिमला मिर्च ऐड कर देनी है। यूजुअली ये होता है कि हम थोड़ा थोड़ा चीज़ों को फ्राई कर रहे होते हैं, लेकिन इसमें जो है वो आपको सब कुछ एक साथ ही ऐड कर देना है। ये बहुत ही जल्दी से बन जाने वाली रेसिपी है। सिर्फ टाइम जो आपको लगेगा वो मटर और राइस को बॉईल करने में लगेगा। ठीक है जी, तो ये सब कुछ आपने एक साथ डाल देना है। स्पाइसेस में आपने ज़ीरा, काली मिर्च और चिली फ्लेक्स एक साथ डाल देने हैं, ये आप देख सकते हैं। सॉल्ट की क्वांटिटी हम ज़रा कम रखेंगे, क्योंकि हम चिकन क्यूब ऐड कर रहे हैं इसमें, जो यूजुअली जो है वो सॉल्टी ही होता है। और जो सॉल्ट है वो आप एज़ पर टेस्ट जो है वो डालेंगे, बैलेंस के तरह से। इसके साथ साथ सोया सॉस ऐड कर रहे हैं 1 टेबल स्पून, जो कि सॉल्टी होती है, आपको पता है। तो सॉल्ट के साथ साथ इसका भी हमने बहुत ध्यान से बैलेंस रखना होता है कि तीनों चीज़ों में सॉल्ट है। और इसके साथ साथ यहाँ पे चिली सॉस हम ऐड कर रहे हैं, विच इज़ 1 टेबल स्पून। और इन सब चीज़ों को हम यहाँ पे मिक्स करेंगे मीडियम फ्लेम पे, और कोशिश कीजिएगा नॉन स्टिक पैन में आप इसे बनाएं। तो बहुत जल्दी से 1 टेबल स्पून मैंने जो है वो मज़ीद यहाँ पे थोड़ा सा ब्लू बैंड ऐड कर दिया है। और यहाँ पे हम डाल रहे हैं ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, और ये दोनों चीज़ें आपको जो है बहुत ही कम क्वांटिटी में हम यूज़ करेंगे, जस्ट फॉर खुशबू जो है इसका बहुत अच्छा अरोमा आता है जब आप ये इस तरह के स्पाइसेस ऐड करते हैं। और अब हम जो मसाला है हमारा वो बिल्कुल रेडी है। तहें लगाएंगे हम, जैसे आप बिरयानी में लगाते हैं। तो थोड़ा सा पानी मैंने ऐड किया है स्टार्ट में, और जितने भी राइस आपके पास अवेलेबल हैं, 250 ग्राम बॉयल्ड राइस हैं, इसको हमने एक लेयर की तरह से लगा दिया है। और जितना भी अमेजा आपने बनाया है, बैटर बनाया है, वो सब हमने एक साथ इस पर डाल दिया है। और इसके ऊपर धनिया, हरी मिर्चें आप स्प्रिंकल कर लीजिए, और इसे आपने दम देना है तकरीबन 5 से 6 मिनट, जिसमें आपको आइडिया होगा कि आपने कितने बॉयल जो है वो राइस किए हुए हैं, तो उस हिसाब से आप इसे रेडी कर सकते हैं। और यहाँ पे 5 से 6 मिनट के बाद हमने इसको ओपन कर लिया है, और बहुत ही अच्छी खुशबू और बहुत ही अच्छा जायका आपको मिलेगा। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और आपने हमें ज़रूर बताना है कि आपने ये रेसिपी ट्राई की थी तो आपको कैसा लगा। और ये बच्चों की बहुत फेवरेट है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।